तथ्य आपके सामने। इसके बाद हम आते हैं एक महान इतिहासकार एडविन टी एटकिंसन, जिनकी पुस्तक है द हिमालया गजेटियर वॉल्यूम सेकंड पार्ट वन। एडविन टी एटकिंसन, कास्मो पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली 1981, पेज 463। यानी इस पुस्तक में उन्होंने विस्तार से लिखा है कि जैसे कि हमने देखा बौद्ध धर्म 7वीं शताब्दी के कुमायूं में काफी हद तक स्थापित हो गया था, लेकिन 7वीं शताब्दी के मध्य में ह्वेनसांग की यात्रा की तारीख और शंकराचार्य के फलते फूलते अवधि के बीच ऐसे परिवर्तन हुए कि उनके समय के बाद शायद ही कुमायूं हिमालय में एक भी बौद्ध मंदिर बचा हो। इस बिंदु पर स्थानीय परंपरा अलग है और यह इस प्रकार है, यह शंकराचार्य द्वारा स्थापित संस्थाएं आज तक जीवित हैं, तो बौद्ध धर्म या तो उसके समय से पहले या उसके प्रभाव के कारण समाप्त हो गया। यह इनका विस्तार से अगर पुस्तक पढ़ेंगे तो इन्होंने विस्तार से बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के विषय में लिखा है कि किस तरीके से बद्रीनाथ बौद्ध मठ और केदारनाथ बौद्ध मठ को बद्रीनाथ हिंदू तीर्थ स्थल और केदारनाथ तीर्थ स्थल बनाया गया है और इसी के साथ ईशा डॉक्टर टेलर, डॉक्टर बर्नल विल्सन और हर्सन द्वारा किए गए चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा का विवरण का अध्ययन पर हवाला देते हुए अपने विख्यात गजेटियर ऑफ हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के ग्रंथ 2 के भाग 2 बुद्धिज्म इन कुमायूं इन द 17th century में भी लिखा है, पेज 463 और पेज 465, यानी 463 से लेकर 465 के बीच में बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच में लिखा है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्वरूप और शंकराचार्य द्वारा उनके परिवर्तन का विस्तृत वर्णन इन पेजों पर उल्लिखित किया गया है। और इसी 463 और 65 के बीच में उन्होंने यह भी लिखा है कि इसी हिमालयी तीर्थ स्थल से बौद्ध धर्म तिब्बत भी गया है।